Good morning dear students. Welcome to the new session 2021-22. Now in this session we are meeting with the virtual technique. I hope that you will enjoy this technique. And first of all we shall discuss about the syllabus, CCA and the pattern of examination. अंडर ग्रेजुएट क्लासेस बी ए सेकेंड ईयर हिस्ट्री टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू एज़ फार एज कंसर्ट टू यर सिलेबस लेट मी डिस्कस इन डिटेल सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जो कोर्स का टाइटल है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्राम ट्वेल्व हंड्रेड सिक्स टू सेवनटीन हंड्रेड सेवन और कोड है डी एस सी थर्ड हिस्ट्री ए टू जीरो थ्री सबसे पहले बात करते हैं हम सिलेबस की सिलेबस में यूनिट फर्स्ट जो है उसमें आपके पास दो चैप्टर दिए हुए हैं फर्स्ट चैप्टर हैं तेरहवीं से पंद्रवी शताब्दी तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण जो विस्तारकरण के टूल्स हैं उसमें हम विशेष रूप से स्टडी करेंगे एकता व्यवस्था प्रशासनिक व आर्थिक सुधार जो दिल्ली सल्तनत के समय में हुए थे उसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे चैप्टर जो टू है आपका फर्स्ट यूनिट में वह है क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति का उत्थान जिसमें कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का विस्तार से अध्ययन किया जाएगा सेकेंड यूनिट आपके पास है द्वितीय अफगान राज्य सेकेंड अफगान स्टेट जिसमें कि विशेष रूप से हमने अध्ययन करना है शेरशाह सूरी की राजस्व और प्रशासनिक सुधार एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स ऑफ शेरशाह सूरी उसके विषय में हमने जो है वो अध्ययन करना है इसका सेकंड जो चैप्टर रहेगा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स जिसमें कि भक्ति मोमेंट और सूफी मोमेंट के विषय में हम पढ़ेंगे और जो हमारा प्राइम फोकस रहेगा वो रहेगा नाथपंथी एकेश्वर और उत्तरी भारत में वैष्णव इसी के अंदर जो दूसरा टॉपिक हमारे हैं भारत में मुख्य सिलसिले जिसमें की शिश्ती महत्वपूर्ण है इसके विषय में हम जो है उसको पढ़ेंगे थर्ड यूनिट हमारे पास जो है इसका फर्स्ट चैप्टर हमारे पास सोलवी से सत्रवीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की स्थापना विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण जिसमें की मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था का विशेष उल्लेख किया जाएगा औरंगजेब की नीतियों का मूल्यांकन भी इसी अध्याय के अंदर किया जाएगा सेकंड जो चैप्टर आपके पास है थर्ड यूनिट का वो है मध्यकाल में कला स्थापत्य कला कुतुब परिसर हम्पी जो कि विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्थापत्य कला का केंद्र है फतेहपुर सीकरी मुगल लघु चित्रकला इन सब का हमने विस्तृत अध्ययन दूसरे अध्याय में करना है थर्ड यूनिट के लास्ट जो आपके पास फोर्थ यूनिट है सत्रहवीं शताब्दी संक्रमण काल इसमें मराठों तथा सिखों का जो उदय है उसके ऊपर अध्ययन किया जाएगा विस्तार से और इसके बाद जो दूसरा चैप्टर आपका होगा मुगल साम्राज्य का विघटन तथा पतन और पतन के लिए उत्तरदायी विभिन्न कौन कौन से मत हैं उसका हम अध्ययन करेंगे अब बात करते हैं हम कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रीहेंसिव असेसमेंट जिसको आप सी कहते हैं जो कि आपके पास थर्टी मार्क्स की होती है वैसे तो आप पहले भी इस चीज़ से वाकिफ है फिर भी आपके न्यू सेशन में एक बार प्रारंभ में ही हम इसको बताना चाहते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर रहे इसमें तीन कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हैं फर्स्ट है अटेंडेंस सेकंड है असाइनमेंट्स और थर्ड है हाउस एग्जाम ये तीन कंपोनेंट है अटेंडेंस की अगर हम बात करें तो 75% परसेंट से 80% परसेंट जो है वो एक नंबर होता है 81% परसेंट से 84% परसेंट तक दो नंबर होता है 85 से 89% परसेंट तक तीन नंबर होता है और 90% परसेंट से 94% परसेंट तक चार नंबर होता है 95% फाइव परसेंट एंड अब जो है वो पांच नंबर दिए जाते हैं असाइनमेंट्स आपके पास दस नंबर की होती हैं जिसमें कि हम आपको कोई टॉपिक असाइन करते हैं और इसके साथ साथ जो है वो आपको आ, हो सकता है हम डिस्कशन करें पैनल डिस्कशन किया जा सकता है और आपको फाइल भी बनानी पड़ सकती हैं ये जो है वो हम आपको असाइन करेंगे हाउस एग्जाम 15 मार्क्स का होता है और हाउस एग्जाम जब 75 फाइव परसेंट सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही आपका हाउस एग्ज़ाम होता है तो अर्थात तीनों कंपोनेंट को मिला करके पाँच नंबर दस नंबर और पंद्रह नंबर ये आपके पास थर्टी मार्क्स का जो है वो सी होता है और इसमें पास होने के लिए मिनिमम आपको एलेवन पॉइंट लेने होते हैं नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर ये मैं शुरू में, में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि बाद में बच्चे पूछते हैं कि सर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और किस यूनिट में से क्या वेटेज रहती है तो शुरू में ही आपको बताना बहुत उपयुक्त रहेगा सबसे पहले सेक्शन की हम बात करते हैं कुल मिलाकर के हमारे पास जो है वो पांच सेक्शन होते हैं सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन डी सेक्शन ई e. और इसमें जो सेक्शन ए है ये कंपलसरी सेक्शन है और सबसे ज्यादा वेटेज सेक्शन ए की ही होती है क्योंकि इसमें आपके पास 30 का जो है वो कंपलसरी आते हैं जिनको सॉल्व करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक ये कंपलसरी क्वेश्चन इसमें किसी प्रकार की इंटरनल चॉइस नहीं होती है सबसे पहले सेक्शन ए दो भागों में बांटा होता है पार्ट ए एंड पार्ट बी पार्ट ए में जो है वो आठ क्वेश्चंस होते हैं बहुत लघु प्रश्न वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जिसको कहते हैं आप और उसमें विशेष रूप से आ, या तो डेफिनेशन होती हैं या कोई कंसेप्ट कंसेप्ट होता है या आपके पास कोई दो ए, एक नंबर विशेष करके एक लाइन या दो लाइन का जो है प्रश्न आपके पास होता है जिसको कि आपको अटैम्प्ट करना है उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स जो ये पांच क्वेश्चन आठ प्रश्न आपके पास इसमें दिए होते हैं सेक्शन के अंदर और आपको पांच करने हैं और प्रत्येक के टू मार्क्स दिए होते हैं और आपको दस नंबर के लिए ये सेक्शन ए का पार्ट ए जो है वो दिया होता है सेक्शन बी में आपको छह प्रश्न दिए होते हैं और छह में से आपको केवल चार प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के मार्क्स जो है वो पाँच दिए होते हैं अर्थात आपके लिए जो पार्ट बी है सेक्शन ए का वो ट्वेंटी मार्क्स का होता है दोनों सेक्शन ए और सेक्शन बी मिला करके तीस नंबर के होते हैं अब बात करते हैं कि इसमें लेंथ ऑफ आंसर क्या होनी चाहिए अक्सर स्टूडेंट ही पूछता है कि लेंथ ऑफ आंसर क्या होनी चाहिए ताकि आप इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर सकें नए सेशन में इसी तरह से आप अपने नोट्स तैयार कर सके इसी सेशन में आप जो है वो इन सभी चीजों को पहले से ही जान लें तो इसमें अगर हम मैं बात करूं जो आपके पास टू मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें आपने विशेष रूप से कम से कम अगर कंसेप्ट है डेफिनेशंस है तो उसको कंप्लीट आपने एक पैराग्राफ के अंदर यानी पाँच से सात लाइनें आठ लाइनें के बीच में आप लिख सकते हैं कई बार अगर फैक्चुअल क्वेश्चन है तो वो एक लाइन से ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है मैंने आपको कहा कि अगर डेफिनेशन है तो पूरी डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी कंसेप्ट है तो पूरे कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर फैक्चुअल क्वेश्चन है तो फैक्चुअल क्वेश्चन को आपने एक लाइन में या एक वर्ड में भी हो सकता है जो पार्ट बी है सेक्शन ए का जो कि फाइव मार्क्स के लिए आपने अटेम्प्ट करना है विशेष रूप से कम आपको एक पेज कंप्लीट जो है वो अटैम्प्ट करना है और साथ में अगर आपको लगता है कि इसमें आपके पास फैक्चुअल पॉइंट्स ज्यादा आते हैं हेडिंग वाइज ज्यादा आते हैं तो आपने इसमें हेडिंग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है क्यों क्योंकि आपके पास एक प्रकार का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है केवल फाइव मार्क्स के लिए दिया गया है लेकिन फिर भी मेरा कहने का मतलब है कि इसके अंदर कम से कम एक पेज के अंदर दो पैराग्राफ या तीन पैराग्राफ आप लिख सकते हैं सेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपके पास फर्स्ट यूनिट से दो क्वेश्चन दिए होते हैं एंड यू विल अटेम्प टू ओनली वन क्वेश्चन कैरिंग टेन मार्क्स आपके पास फर्स्ट यूनिट के अंदर दो चैप्टर दिए हैं और दो चैप्टर में से एक एक प्रश्न दिया होगा और उनमें से केवल आपने एक ही प्रश्न सॉल्व करना है दस नंबर के लिए सेक्शन सी में आपके पास सेकंड यूनिट में से दो प्रश्न दिए होंगे उसमें से भी आपको केवल एक ही प्रश्न जो है वो अटेम्प्ट करना है और ये भी दस नंबर के लिए दिया गया है सेक्शन डी में से भी आपको जो दो यूनिट दिए गए हैं उन दोनों यूनिट में सॉरी सेक्शन दो सेक्शन डी में भी आपके पास दो चैप्टर दिए गए हैं और उन दो चैप्टर में से आपको केवल एक ही प्रश्न अटैम्प्ट करना है ये थर्ड यूनिट में से दिया होगा ये भी टेन मार्क्स के लिए है और सेक्शन ई जो आपके पास है इसमें यूनिट फोर में से दो प्रश्न दिए होंगे दो चैप्टर इसके अंदर दिए गए हैं और एक ही आपने अटेम्प्ट करना है ये भी दस नंबर का आपको रहता है अब सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन डी और सेक्शन ई इन को मिला करके हमारे पास कुल जो एग्रीगेट बनता है वो सेवेंटी मार्क्स का बनता है और पासिंग मार्क्स आपका जो रहता है थ्योरी में वो ट्वेंटी फाइव रहता है अर्थात आपको मिनिमम 25 मार्क्स 70 में से लेने हैं अब अगर ग्रांड टोटल की हम बात करें 30 परसेंट और 70 परसेंट तीस नंबर का आपका सीसी है और सत्तर नंबर का आपका जो है वो थ्योरी का पेपर है हंड्रेड मार्क्स का आपका जो है वो टोटल रहता है और इसमें थर्टी फाइव इन ईच सेक्शन यानी सी में भी आपको 35% परसेंट मार्क्स लेने हैं मिनिमम 11 नंबर लेने हैं और 70 में से भी 35 यानी आपको 25 नंबर लेने हैं लेकिन यहाँ एक चीज़ और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दोनों में एग्रीगेट आपका 40% परसेंट होना अत्यंत आवश्यक है यानी दोनों के मिला करके आपको 40% परसेंट होने चाहिए अगर आप 40% परसेंट एग्रीगेट में नहीं आते हैं तो यू विल बी एज Failed in that course. So, this is all about the syllabus, CCA, and question paper pattern. So, I think that you, you will enjoy it. Have a nice day. We shall meet again tomorrow with the next lecture.